जी हेल्थ को वहां भेजा, मैंने कहा भी आप जाइए देख करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। और साथ ही मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भी और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री को भी संयुक्त टीम, मैंने कहा भी आप लोग वहां जाकर के मुझे रिपोर्ट करिए। ये लोग शाम तक आए अपनी रिपोर्ट दिए, अगले दिन मैंने अपना कार्यक्रम वहां बनाया। मैंने पूछा लोगों से कि भाई आखिर ये सब कैसे हो, क्या मामला है? वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। और अगर ऑक्सीजन के अभाव से बच्चों की मौत होती तो सबसे पहले वे बच्चे मरते जो वेंटिलेटर पर हैं। वे बच्चे पहले वाले भी आज भी वैसे ही हैं, पहले उनके स्वास्थ्य में पहले की तुलना में सुधार है। लेकिन मैंने कहा कोई बात तो जरूर होगी, ये आंकड़े कहां से आए हैं? पता लगा वहां की आंतरिक राजनीति किस प्रकार से एक मेडिकल कॉलेज को, मैंने देखा एक नेगेटिव समाचार किस तरीके से बड़ी मात्रा में इस उसके साथ जुड़े हुए लोगों को अलग करती है। बहुत समय तक तो वहां ऐसा चलता रहा, हमें वहां पे काउंसलिंग करनी पड़ी चिकित्सकों की कि भाई आप कार्य करिए, इस सबकी चिंता मत करिए, अगर आप अंतःकरण से साफ हैं तो फिर आप इस बातों इन इस प्रकार की चीजों की चिंता के बगैर आपको कार्य करना चाहिए।